आज हम बात करते हैं गो बैक एंड एआरक्यू प्रोटोकॉल की। एक्चुअली नॉइजी चैनल में हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज स्टॉप एंड वेट एआरक्यू, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड वन इज गो बैक एंड एआरक्यू, जो हम आज करेंगे, एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ दीज थ्री, गो बैक एंड एआरक्यू एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू आर द प्रोटोकॉल्स अंडर द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कैटेगरी। ठीक है, अब गो बैक एंड एआरक्यू ने हमारे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की कौन सी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया वो देखते हैं पहले। इफ इन केस अगर मैं स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल की को देखूं, सो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू क्या कहता है कि लेट्स से ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर ने ये एक फ्रेम सेंड किया और तब वो कब तक वेट करेगा, जब तक कि इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम हियर टू हियर मेरे पास सेंडर ने केवल एक ही फ्रेम सेंड किया। सो ये फ्रेम सेंड किया और ये उसका एक्नॉलेजमेंट आया है। सो दिस वॉज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ माई फ्रेम और डेटा, एंड दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर इट वॉज लाइक प्रोपगेशन टाइम ऑफ माई डेटा। ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट हमने क्या कंसिडर किया था, नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ द लेसर अमाउंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। और यहां से यहां मैं कह सकता हूं दिस इज लाइक प्रोपगेशन टाइम ऑफ माई एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सो इसके केस में यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो मेरा केवल एक ही फ्रेम या एक ही पैकेट सेंड हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक लेट्स से ये मेरे पास एक सेंडर है और ये मेरा कम्युनिकेशन मीडियम है या कम्युनिकेशन चैनल है, ये रिसीवर है और यहां मेरे पास एक सेंडर है। सेंडर ने इस ये पैकेट है, इस पैकेट ने सेंडर ने इस पैकेट को इस कम्युनिकेशन मीडियम पे प्लेस किया। ठीक है, अब दो चीजें होती है, एक होती है बैंडविड्थ, एक होती है कैपेसिटी। बैंडविड्थ बेसिकली क्या कहती है, बैंडविड्थ ये कहती है नंबर ऑफ बिट्स प्लेस्ड पर सेकेंड ऑन द कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, लेट्स से आई एम सेइंग द बैंडविड्थ ऑफ दिस चैनल इज 10 bits per second, 10 bits per second, that means 10 bits per second can be placed on this medium. और अगर मैं इसकी capacity की बात करूं, capacity is like कि देखो 10 bits तो उसने यहां पर आ गए, ये 10 bits एक second में place कर दिए, might be next second में ये 10 bits आगे move हो गए और 10 more bits can be placed here. So again in the next second ये 10 bits और आगे गए। So likewise अगर मैं capacity की बात करूं, might be इसकी capacity जो हो वो thousands of bits हो सकती है communication channel की, बट बैंडविड्थ इज लाइक कि 10 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर लेट्स से इस पैकेट का साइज था 100 बिट्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग लाइक दिस। ठीक है, सो 100 बिट्स तो फ्रॉम हियर टू हियर ये यहीं तक ऑक्यूपाई कर लेगा। सो जो कम्युनिकेशन मीडियम है, ये जो चैनल है मेरे पास, ऐसा हो सकता है ये एट ए टाइम ये इसके पीछे एक पैकेट और आ जाता, एक पैकेट और आ जाता। दैट मीन्स कि अगर इसकी बैंडविड्थ मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास इस कम्युनिकेशन मीडियम की, सो उस केस में मेरे पास ये जो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू है वो इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। और इन शॉर्ट अगर देखूं तो यहां से यहां तक इस टाइम ड्यूरेशन में, जब सेंडर ने यहां से एक पैकेट प्लेस किया, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है, सेंडर क्या है, खाली बैठा है, कुछ और सेंड कर रहा है वो नहीं, और कम्युनिकेशन मीडियम भी ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि उसके उसके पास और कोई डाटा है ही नहीं सेंड करने के लिए। सो यहां पर वो क्या कहते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन टाइम है, यहां पर जब उसने इस डेटा को सेंड किया था, उसके बाद क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि और फ्रेम हम सेंड कर दें कम्युनिकेशन मीडियम पे। सो हमारे पास अगर एक फ्रेम हम और सेंड कर दें विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, क्या हम अपनी इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर लेंगे? यस, सो वो यही कहते हैं इन केस ऑफ गो बैक एंड एआरक्यू में कि आप इसमें, इस केस में आप फर्स्ट फ्रेम सेंड करेंगे या आपने फर्स्ट फ्रेम सेंड कर दिया, विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट आप सेकंड फ्रेम भी सेंड कर दें, आप सेकंड फ्रेम भी सेंड कर दें, आप थर्ड फ्रेम भी सेंड कर दें। ठीक है, टिल द टाइम ड्यूरेशन हियर हियर टू हियर। ओके, सो इस ड्यूरेशन में वो ये कहते हैं कि आप कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब वो कितने पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं यहां से यहां तक की टाइम ड्यूरेशन में उसने कितने पैकेट सेंड किए, ओनली वन पैकेट। और सेंडर ने ये कितने देर में, देखो सेंडर ने तो इस टाइम ड्यूरेशन में अपना पैकेट प्लेस कर दिया था कम्युनिकेशन मीडियम पे, उसके बाद तो सेंडर खाली है, तो सेंडर ने कितना टाइम लिया, ओनली दैट ट्रांसमिशन टाइम। सो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ए पैकेट और फ्रेम सेकेंड में उसने कितने पैकेट सेंड किए, ओनली वन पैकेट या वन फ्रेम आई कैन से। ठीक है, यू कैन यूज वन फ्रेम। ओके, अब वन सेकेंड में वो कितने पैकेट सेंड कर सकता है, वन बाई ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, और उसके पास टोटल टाइम कितना है यहां से यहां तक, क्योंकि इसके बाद वो खाली था यहां से यहां तक, सो इस टाइम ड्यूरेशन में वो कितने पैकेट सेंड कर सकता है, सो दिस कैन बी लाइक ट्रांसमिशन टाइम प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन टाइम। इन दिस वन दिस इज लाइक टीटी मल्टीप्लाइड बाई टीटी एंड दिस इज लाइक प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ टीपी। इसको इफ आई विल कैलकुलेट दिस कैन बी डिवाइडेड लाइक वन प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी डिवाइड बाई टीटी। दिस टर्म वी अज्यूम्ड इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट एज ए, सो दिस वॉज ए, सो दिस इज लाइक वन प्लस
2A packets can be sent during this duration. During this duration, अगर मैं बात करूं, जब इसका ये first acknowledgement कभी ये जो first frame था, this was frame one, this was frame two, this was frame three, जब तक कि इसका acknowledgement आएगा ये यहां तक, till that time ये कितने frame send कर सकता है? 1+2A with the maximum utilization of bandwidth और my communication channel, ठीक है? So इस पूरे duration में वो कितने frame use कर सकता, कितने packets send कर सकता है? 1+2A. That means इसको मैं थोड़ा सा rub करके थोड़ा सा और clear कर देता हूँ. इस time duration में यहाँ पर ये sender था, ये receiver था, ये फ्रेम सेंड किया, यहां से लेकर के जब इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, सो इन दिस टाइम ड्यूरेशन माय सेंडर कैन सेंड 1+2A मैक्सिमम पैकेट्स, मैक्सिमम फ्रेम्स विद द एफिशिएंट और द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ माय बैंडविड्थ. और अगर वो इस देखो 1+2A एक पैकेट माइट यहां सेंड किया होगा, नेक्स्ट पैकेट यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सो दीज कंप्लीट आर द पैकेट्स आर 1+2A. और अगर वो ये 1+2A पैकेट्स नहीं सेंड कर रहा, इससे कम पैकेट सेंड कर रहा है, दैट मींस वो इसकी बैंडविड्थ को एफिशिएंटली या मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर रहा. मैं कहता हूं कि उसने 1+2A नहीं, उसने n पैकेट्स सेंड किए हैं, n packets, and oh, क्योंकि maximum size is this one, so n will always be lesser than this one, इससे तो send कर ही नहीं सकता, because this is the maximum utilization, so मैं कहता हूँ उसने n packets send किए हैं, that is the lesser than this one, so what will be the efficiency? Efficiency is like useful packets जो send किए हैं, and that is the total one that it can send. So if I say efficiency in case of sliding window protocols, यहाँ पर वो क्या कहता है? This one is n divided by 1+2A will be the efficiency. क्योंकि उसने actually में इतने ही packets send किए हैं, but वो कर इतने packets सकता है. This is something like कि might be वो कितने packets send कर सकता है? 100 packets send कर सकता है within this time duration. But ऐसा हो सकता है कि उसने केवल 70 ही packets send किए हो. So what is the efficiency? Efficiency is like only 70%. Okay. So this is like 70%. Okay. ऐसा हो सकता है कि उसने केवल यहीं तक पैकेट सेंड किए हैं 70 पैकेट, और इस टाइम ड्यूरेशन में वो खाली रहा हो सेंडर, ऐसा हो सकता है, ठीक है. सो इसके केस में अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वन, फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट कैन बी लॉग ऑफ टू, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स. देखो ये बेसिकली क्या है, जितने भी फ्रेम्स हमने सेंड किए हैं उन सभी के लिए हमें क्या होगा, एक नंबर देना पड़ेगा, जितने भी सिक्वेंस नंबर होंगे हमारे पास उन फ्रेम्स के लिए. और सीक्वेंस नंबर को अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स की बात देखूं तो log 2 1+2i of a, सो दिस नंबर ऑफ बिट्स, दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, बिट्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. और अगर उसने केवल n फ्रेम सेंड किए हैं सो इट विल बी लाइक अगेन log 2 ऑफ n, और अगर मैं स्मॉलर n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सो n बिट्स इज लाइक व्हाट, n बिट्स कैन रिप्रेजेंट द 2^n फ्रेम्स. Fine. So this was the scenario. और इसके केस में अब एक चीज और है हमारे पास. तो this was the scenario. Go back and ये अभी तक हम actually sliding window protocol का case discuss कर रहे हैं. ठीक है? अब go back and n क्या कहता है? Go back and ये कहता है कि इसमें आप n frames एक window. जो वो एक window की बात करता है ना, this window, this window, this is the complete one window. ठीक है? इस विंडो में वो चाहे तो 1+2A पैकेट सेंड कर ले, वो चाहे तो ओनली n पैकेट सेंड कर ले. अगर वो 1+2A पैकेट सेंड कर रहा है तो 100% यूटिलाइज कर रहा है, अगर वो n पैकेट सेंड कर रहा है दैट मींस वो लेस देन 100 का ही यूटिलाइज कर रहा है अपनी एफिशिएंसी को. और अगर मैं स्टॉप एंड वेट ARQQ की बात करूं, वहां पे तो एक ही पैकेट वो सेंड कर रहा था और वो वेट कर रहा था जब तक कि उससे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है. ठीक है? सो अब हम बात करते हैं गो बैक n ARQQ की. गो बैक n में जो n है ये n, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स आर सेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम, इन दिस पर्टिकुलर टाइम, एंड दिस पर्टिकुलर टाइम इज लाइक वन विंडो. ओके, अब बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की. हमारे पास गो बैक एन ARQ दो तरह के एक्नॉलेजमेंट यूज कर सकता है. वन इज इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट एंड सेकेंड वन इज लाइक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट. ओके, सो वट इज लाइक दिस वन, लेट्स से ये मेरे पास एक सेंडर है, ये रिसीवर है, अगेन ये भी मेरे पास एक सेंडर है और ये भी एक रिसीवर है. ठीक है? दिस इज लाइक इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट एंड दिस इज लाइक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट. ओके, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट क्या कहता है, मेरे पास ये एक सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, ये दूसरा फ्रेम सेंड किया था, दिस वॉज फ्रेम जीरो, दिस वॉज फ्रेम वन, दिस वॉज फ्रेम टू, दिस वॉज फ्रेम थ्री,
इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट में हर एक फ्रेम के लिए जो भी सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया है उसके लिए इंडिपेंडेंट एक डिफरेंट एक सेपरेट एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसके लिए एक अलग एक्नॉलेजमेंट आएगा. दैट मींस फॉर द एक्नॉलेजमेंट माइट बी उसने नेक्स्ट फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट मांगा होगा, सो एक्नॉलेजमेंट वन. इस फ्रेम के लिए नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आएगा, दिस कैन बी लाइक एक्नॉलेजमेंट टू. इस फ्रेम टू के लिए नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आएगा, माइट बी एक्नॉलेजमेंट थ्री. इस फ्रेम के लिए नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आएगा, माइट बी एक्नॉलेजमेंट फोर. ठीक है, सो इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट आ रहे हैं सभी अलग अलग फ्रेम्स के लिए. बट इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, यहां वो क्या कहते हैं, यहां वो ये कहते हैं कि ठीक है आपने कंटिन्यूअस फ्रेम्स सेंड किए हैं एक विंडो में, आपने मल्टीपल फ्रेम्स मोर देन वन फ्रेम सेंड किए हैं. सो दिस इज लाइक दिस वॉज फ्रेम जीरो वॉज सेंड, दिस वॉज फ्रेम वन, दिस वॉज फ्रेम टू, दिस वॉज फ्रेम थ्री, दिस वॉज फ्रेम फोर. सो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट ये कहता है कि हम रादर देन सेंडिंग द इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट्स, हम क्यूमुलेटिव एक ही एक्नॉलेजमेंट भेज दे मल्टीपल फ्रेम्स के लिए. सो ऐसा हो सकता है कि इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट ना आए, इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट ना आए, इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट ना आए, दिस लाइक फ्रेम टू, इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट ना आए. बट ऐसा हो सकता है कि आफ्टर थर्ड फ्रेम एक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाए, और वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, फ्रेम थ्री तो एक्सेप्ट हो चुका है, इसके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम दैट कैन बी ए फोर या एक्नॉलेजमेंट फोर. ये एक्नॉलेजमेंट फोर मुझे क्या बता रहा है कि भाई इससे पहले वाले सारे फ्रेम्स जो है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके हैं, अब मुझे जो नेक्स्ट चाहिए वो ए थ्री चाहिए, ए फोर चाहिए. ठीक है, फ्रेम फोर चाहिए. सो इसका क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का फायदा क्या होगा, मैं जब इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा था तो मैं ज्यादा डेटा सेंड कर रहा हूँ, दैट मीन्स ट्रैफिक बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, और इसके केस में क्या होगा, मैंने अपने ट्रैफिक को रिड्यूस किया, मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करना पड़ रहा है, मैं केवल एक ही बार एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा हूँ और उसी से मेरा काम चल जा रहा है. ठीक है, सो दिस वॉज द सिनेरियो ऑफ इंडिपेंडेंट एंड क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट. एंड गो बैक एन ए आर क्यू यूजेस क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट. ओके, अब क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट की बात हो गई है, लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंडर विंडो एंड रिसीवर विंडो. सेंडर विंडो एंड रिसीवर विंडो, देखो अब ये सेंडर विंडो रिसीवर विंडो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अभी हमने बताया ना कि गो बैक एन ए आर क्यू क्या कहता है, मोर देन वन फ्रेम्स कैन बी सेंड इन ए सेम विंडो. यहां से यहां तक जब इसका भी इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा या कोई क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है, सो यहां पर ये एक विंडो है, विंडो मुझे ये बताती है ये सेंडर विंडो है, ये रिसीवर विंडो है. ठीक है, सेंडर विंडो क्या कहती है, आप कितने फ्रेम सेंड कर सकते हैं, दैट कैन बी 1+2 है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. ठीक है, और अगर वो एक अलग बात है कि अगर मैंने एन नंबर ऑफ सिक्वेंस, देखो जो सिक्वेंस नंबर है मेरे पास इन फ्रेम्स के, उसके लिए मेरे पास एक सिक्वेंस नंबर फील्ड होगा, सीक्वेंस नंबर फील्ड होगा. इस सीक्वेंस में अगर मैं कहता हूं मेरे पास सीक्वेंस नंबर में n बिट्स हैं, सो 2^n फ्रेम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, और उनके लिए सीक्वेंस विल बी लाइक 0, 1, 2, 3 अप टू 2^n-1. दिस विल बी द सिनेरियो. ठीक है, अब मैं ये कहता हूं यहां पर जो सेंडर विंडो है, ये जो सेंडर विंडो है, ये सेंडर विंडो कैसे रिप्रेजेंट होती है, सेंडर विंडो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है. सेंड विंडो देखो, ये हमने एक सेंडर विंडो की रिप्रेजेंटेशन है. यहां पर क्या है, ये हमने एक विंडो मेंटेन की है, एक विंडो मेंटेन की है, दिस इज द विंडो. दिस विंडो साइज इज ऑलवेज लाइक सीक्वेंस नंबर, अगर आपका सीक्वेंस नंबर n है, सो दिस विल बी लाइक 2^n, या अगर ये m है, इफ m नंबर ऑफ बिट्स आर देयर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर, देन इट विल बी 2^m-1. ठीक है, दिस विल बी द साइज ऑफ योर विंडो साइज. ठीक है, अब यहां पर मैं कहता हूं माई विंडो m इज 3. If m is 3, so center window size will be like 2^3-1, that is 7. So हमने ये एक window size maintain की है 7 frames की. ठीक है, 0 to 6 7 frames are there. अब ये window कैसे हम slide करेंगे आगे, so ये sliding window है, ये window आगे slide होती रहेगी. कैसे, यहां पर देखो जरा, ये window ये represent कर रही है अभी जो current window scenario है, कि इससे पहले वाले जो frames हैं, ये वाले frames, these frames has been sent and acknowledged. इन सभी के लिए acknowledgement आ चुका है. ठीक है, विंडो से पहले वाले. अब विंडो में भी दो कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, एक होगा SF, एक होगा SN. SF बताता है first outstanding frame. That means वो फ्रेम जो सेंट तो हो चुका है बट अभी उसके लिए acknowledgement नहीं आया. ठीक है, SN क्या कहता है कि ये अभी सेंड भी नहीं हुआ है. This is the frame that is next to be sent. ये next frame to send है. Next frame to send. ठीक है? तो ये उन्होंने विंडो मेंटेन की है. इस विंडो में वो कह रहे हैं ये फ्रेम सेंट हो चुका है बट इसका एक्नोलेजमेंट नहीं आया. इसका एक्नोलेजमेंट आ चुका है, ये भी सेंड भी नहीं हुआ है,
और ये तो अभी सेंट भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये अपर लेयर से भी आए, आए ही ना हो मेरे पास रिसीवर के पास, दिस कैन बी वन सिनेरियो, ठीक है? सो दिस इज लाइक ए सेंडर विंडो, तो सेंडर विंडो साइज इज ऑलवेज दिस वन। अब एक होता है रिसीवर विंडो, एक होता है रिसीवर विंडो, जिस तरह से सेंडर विंडो है इसी तरह से मेरे पास एक रिसीवर विंडो भी होगी। सो रिसीवर विंडो क्या कहती है, रिसीवर विंडो ये कहती है, रिसीवर विंडो इज लाइक अगेन दिस वन, दिस इज लाइक रिसीवर विंडो, इसमें भी हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे लाइक 5605670123, इसमें भी कंट्रोल वेरिएबल होगा दैट इज RN, RN विल से, जिसमें S, F और SN है, रिसीवर विंडो में हमारे पास एक वेरिएबल होगा RN, RN मुझे क्या बताएगा कि वो फ्रेम दैट इज नीड टू बी रिसीव्ड नेक्स्ट और टू बी एक्सपेक्टेड, कि मेरे रिसीवर इस फ्रेम को नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उसको रिसीव होना है नेक्स्ट, ये उसको चाहिए, इसकी वो डिमांड कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट RN वेरिएबल। सो इन केस ऑफ गो बैक एन एआरक्यू, वन मोर थिंग इज देयर, गो बैक एन एआरक्यू नेवर ऑलवेज एक्सेप्ट्स इन ऑर्डर फ्रेम्स, ये कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है? अब जरा ये एक नॉर्मल सिनेरियो है हमारे पास, ये वाला, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है? यहां पर मैं कहता हूं, यहां पर सिक्वेंस नंबर इज इक्वल टू टू हियर, इफ m इज इक्वल टू टू हियर तो सेंडर विंडो कितना होगा, 2 raised to the power m minus 1, ये सेंडर विंडो 2 raised to the power m minus 1 क्यों होता है, ये भी हम भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी पहले सिनेरियो देख लेते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन देख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इशू हो सकते हैं अगर ये m माइनस वन नहीं होता, कोई फ्रेम लॉस हो जाए, कोई एक्नोलेजमेंट लॉस हो जाए इसके केस में, गो बैक एन में, उस उन सिनेरियोस में क्या होगा। सो दिस इज द सेंटर विंडो साइज, दैट इज लाइक 2 raised to the power 2 minus 1, दैट इज 3, सो 3 इज द सेंटर विंडो साइज। सो इनिशियली यहां पर ये है मेरे पास सेंटर विंडो साइज इनिशियली, इसमें SFMOV मुझे बता रहा है ये फ्रेम सेंट हो चुका है बट इसका एक्नोलेजमेंट नहीं आया है, ये फ्रेम नेक्स्ट सेंट होना है, ठीक है SN। सो इन्होंने फ्रेम 0 ऑलरेडी सेंट कर दिया था, इसीलिए SF 0 है, उसके बाद इसने RN, क्यों RN क्या बता रहा है, नेक्स्ट फ्रेम मुझे कौन सा मिलना है, अब क्योंकि 0 के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, सो 0 फ्रेम आ गया इसको, फाइन, इसको अगर 0 मिल गया, उसने देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड हो सकता है उसने इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड किया हो, ठीक है? सो उसके बाद वो क्या करेगा, इसको तो अपडेट कर देगा, क्योंकि वो 0 एक्सपेक्ट कर रहा था, 0 उसको मिल गया, अब वो RN को एक्सपेक्ट नेक्स्ट अपडेट कर देगा कि मुझे अब चाहिए नेक्स्ट फ्रेम 1। तो अब इसके पास, इसने क्या किया होगा, इसने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया था 0, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, नेक्स्ट फ्रेम कौन सा सेंड होना था 1, उसने इस 1 को भी सेंड कर दिया, क्योंकि मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सेंडर विंडो क्या कहती है, आप 3 फ्रेम सेंड कर सकते हैं, सेंडर विंडो ये कहती है, विदाउट गेटिंग एक्नोलेजमेंट दिस मच फ्रेम्स यू कैन सेंड, सेंडर विंडो यही कहती है, ठीक है? सेंडर विंडो क्या कहती है गो बैक एन में, गो बैक एन में वो यही कहता है, दिस एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स यू कैन सेंड विदाउट गेटिंग द एक्नोलेजमेंट, विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नोलेजमेंट, ओके? हाँ, इसके बाद इस गो बैक, इस एन के बाद माइट बी टाइमर स्टार्ट होता है एक फ्रेम का, अगर नहीं आता है विद इन टाइम फ्रेम फॉर द एक्नॉलेजमेंट, फिर वो उसको डिसेंड करेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट के सिनेरियोस देखेंगे इसके। वेल, सो यहां पर अब उसने 1 को सेंड कर दिया, सो लेकिन अभी 0 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो उसने 0 को अपडेट नहीं किया, ठीक है, SF को, क्योंकि SF क्या बताता है, वो फ्रेम जिसका एक्नॉलेजमेंट के लिए वो वेट कर रहा है, अभी सेंट हो गया बट एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, अभी तो 0 को एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो उसने 1 को सेंड कर दिया बट उसका भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। नेक्स्ट आता है SN, SN तो वही है कि भाई नेक्स्ट फ्रेम कौन सा सेंड होना है, तो यहाँ 1 था वो अपडेट होकर के 2 हो गया, चलो फ्रेम 1 उसने सेंड कर दिया, वो 1 के लिए ही वेट कर रहा था, उसको 1 रिसीव हो गया, वो इसको अपडेट कर देगा कि मुझे चाहिए अब नेक्स्ट फ्रेम 2, और यहां पर वो 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, तो उसने क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड किया 0 और 1 के लिए। जैसे ही यहां पर विंडो भी मेरे पास यहीं पर यही है, विंडो अपडेट नहीं हुई है, ठीक है? अब जैसे ही मेरे पास ये एक्नॉलेजमेंट आया, ये एक्नॉलेजमेंट आते ही ये सेंडर क्या समझ गया कि 0 और 1 एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो हो चुके हैं दैट मींस उनका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया, उनका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो वो क्या करेगा, अब SF को अपडेट कर देगा। अब नेक्स्ट ऐसा कौन सा फ्रेम है जिसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट हो रहा है, दैट इज 2, क्योंकि 0 और 1 के लिए तो एक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आ चुका, सो विंडो इज स्लाइडेड टू 2 फ्रेम्स फ्रॉम 0 to 2, ठीक है? अब विंडो ये है, अब वो इतने फ्रेम सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? अब SF was 2, दैट मींस द फर्स्ट फ्रेम सेंड बट नॉट एक्नॉलेज्ड, सो उसने फ्रेम 2 सेंड किया, वो 2 के लिए ही वेट कर रहा था, 2 उसको रिसीव हो गया,
वो 2 से इसको नेक्स्ट अपडेट कर देगा, दैट इज आरएन नाउ आई वांट थर्ड फ्रेम. उसने थर्ड के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, सो दिस वन इज दिस वन, दैट इज एक्नॉलेजमेंट 3. जब एक्नॉलेजमेंट 3 पहुंचा इसके पास, सेंडर के पास, सेंडर समझ गया दैट मींस 3 से पहले वाले, दैट मींस 2 हैज बीन एक्सेप्टेड. 2 अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो विंडो को स्लाइड कर देगा. जिस जिस का एक्नॉलेजमेंट आता रहेगा उतनी ही विंडो को वो आगे स्लाइड करता रहेगा, ठीक है. उसके बाद अब वो क्या करेगा, देखो 2 के लिए वो वेट कर रहा था यहां पर, बट 2 का एक्नॉलेजमेंट आ गया 3, तो 3 का देखो एक्नॉलेजमेंट हमेशा उस फ्रेम का होता है नेक्स्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है. उससे पहले वाले सारे रिसीव हो चुके होते हैं. सो 3 के लिए उसने कहा है, दैट मींस 2 हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली. सो 2 की विंडो को वो अपडेट कर देगा और ये विंडो आ जाएगी यहां पर. सो दिस इज द सिनेरियो फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है. अब एक ऑपरेशन देखते हैं कि हमारे पास अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए या फिर हमारे पास क्या हो जाए, फ्रेम ही लॉस हो जाए, तो उन सिनेरियोज में हमारे पास गो बैक एन एआरक्यू क्या कहता है, ठीक है. गो बैक एन एआरक्यू क्या कहता है, एन अभी तक हमने सिर्फ ये बताया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स वो सेंड कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट या विदाउट गेटिंग द एक्नॉलेजमेंट, ओके. अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली उसको हो सकता है एन के एन फ्रेम्स दोबारा रिसेंड करने पड़ जाए, इट मे हैपन द सिनेरियो, ठीक है. सो अभी लेट मी रब दिस एंड आई विल डिस्कस दोस सिनेरियोस नेक्स्ट.